इंडियन आर्मी एग्जाम डेट लेटेस्ट अपडेट नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी एंड लिए बहुत बड़ी खबर है बड़ी खबर की बात करें तो जो नोटिस वायरल हो रहा है यानी आपने जो नोटिस देखा था कि आपका एग्जाम है वो 30 जनवरी को होगा या न होगा कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है इसका वीडियो हमने पहले बनाया था लेकिन टेक्निकल इश्यूज की वजह से उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से उसे हटाया गया है लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है कि इस वीडियो की सच्चाई के आखिर किस डेट तक आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे हालांकि यह खबरें चल रही है कि तीस जनवरी को आपका एग्जाम होगा लेकिन मैं आपको बता दूं, ये अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है कि किन किन सेंटरों का, का एग्जाम होगा क्योंकि पहले दो हजार एग्जाम है लेकिन अभी तक ये कोई खबर नहीं है कि आपका एग्जाम तीस जनवरी होगा तो उस उस नोटिस पर मैं आपको ले चलता हूं और जानकारी आपको मिलेगी किन किन सेंटरों का होने वाला है और उस नोटिस की सच्चाई क्या है जानकारी आपको मिलने वाली है अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो चलो दोस्तों मैं आपको कंप्लीट जानकारी वहां पर दिखाता हूं दोस्तों वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं एक बार फिर से आपको आपने यह नोटिस कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा या फिर आपके पास ये नोटिस आ गया होगा लेकिन मैं आपको बता दूं जो 30 जनवरी की खबर चल रही है उस पर अभी तक कोई भी डिक्लेरेशन नहीं आया है यानी कि अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि तीस जनवरी को आपका एग्जाम होगा हाँ हो सकता है कुछ सेंटरों का यह नोटिफिकेशन जरूर जारी किया गया लेकिन बहुत सारे सेंटर और बहुत सारी ओपन रैलियाँ भरती हुई है उनका एग्जाम है वो तीस जनवरी को नहीं होने वाला क्योंकि इस नोटिस की सच्चाई कुछ और है जो आपको मैं इसमें कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ तो आप वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखिएगा यहां पर मैं आपको बता दूं यहां पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहां पर साफ साफ़ मेंशन किया गया यहां पर आप देख पा रहे हैं शेड्यूल कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम यानी सीई दो हजार बीस इक्कीस एंड दो हजार इक्कीस बाईस यानी मैंने आपको पहले कह दिया था कि यहाँ पर जो दो हजार बीस इक्कीस में भर्ती हुई थी और इसके साथ ही दो हजार इक्कीस और जो शुरू होने वाली दो हजार बाईस में आपका जो एग्जाम होगा उससे रिलेटेड ये खबर है यहां पर आप देख पा रहे हैं एक नंबर पर यहाँ पर साफ साफ बताया गया यहाँ पर इनका जो लेटर नंबर ये दिए गए इसके साथ ही दो नंबर पर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डेट फॉर कंडक्ट ऑफ द नेक्स्ट सी इज अंडर कंसिडरशन ऑन फिनाइजेशन द सेम सेल बी इन टू ऑल वो पर दिया गया इज विल बी एड रिलेटेड टू पत्र है वो सभी सेंटरों को आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ये मैं आपको बता दू तीस जनवरी आपकी डिक्लेरेशन नहीं है यहां पर केवल इतना पता है कि सभी सेंटरों को ये नोटिफिकेशन लिखा गया यानी जो आपका पुणे हेडक्वार्टर में इसका जो हेडक्वार्टर उसके द्वारा पत्र सभी सेंटरों को लिखा गया और इन्होंने दो नंबर पॉइंट पर साफ साफ बताया कि हम ये अभी तक विचाराधीन करें यानी इस पर विचार करें कि आपका जो एग्जाम है वो करवाया जाएगा और तीन हफ्तों यानी बीस से इक्कीस दिनों के बीच आपको सूचना दे दी जाएगी कि आपका इस तारीख को एग्जाम होने वाला है यानी दोस्तों पहला पॉइंट ये कहता है कि इस पर केवल ये सेंटर के द्वारा नोटिफिकेशन लिखा पत्र लिखा गया जिस पर केवल इतना बताया गया तीन नंबर पॉइंट पर आप यहाँ पर देख पा रहे इट इज ऑल्सो क्लियरिफाइड डेट फॉर एनी पार्टिकुलर एग्जाम सेंटर ए या फिर यहाँ पर दिया गया फॉर ओनली फर्स्ट रैली कैन बी कंडक्ट एट वन टाइम यानी इनका तीन नंबर पॉइंट बताया कि जो आपका एग्जाम है वो पहले उन भर्ती को होगा यानी कि आपका जो पहले एग्जाम होने वाला है तो आप मानकर चलिए पहले आपका एग्जाम दो हजार बीस और इक्कीस में जो भर्तियां हुई थी यानी दो हजार बीस शुरू होने और दो हजार इक्कीस तक जिन भर्ती हुई थी उनका एग्जाम पहले उनका होगा उसके बाद आपका दो हजार इक्कीस और बाइस का एग्जाम होने वाला है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इन्होंने चार नंबर पॉइंट बताया फोर स्ट्रिक्स इंप्लीमेंटेशन प्लीज यानी इसका इन्होंने बताया कि इस पर आप जवाब दीजिए कि आपका जो सेंटरों का अलग अलग सेंटरों का एग्जाम है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वी एस चौहान जो ब्रिगेडियर है उनके द्वारा यहाँ पर ये साइन किया गया नोटिस जारी किया गया यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हेडक्वार्टर है वो पुण्य के द्वारा ये प्रकाशित किया गया यानी मैं बता दूं दोस्तों अभी तक ऐसा कोई क्लियरिफाई नहीं किया गया कि आपके सेंटरों का एग्जाम होगा यानी कि मैं बता दूं सभी सेंटरों का एग्जाम है वो अलग अलग होने वाला है यानी इंडिया के जितने भी सेंटर है और जिनमें भी विद्यार्थियों ने या जिन स्टूडेंट ने यहाँ पर जो फिजिकल क्लियर कर रखा है जो फिजिकल फिट है उनका एग्जाम कब होगा या अलग अलग डेट पर होगा यानी तीस जनवरी का सभी का आपका एग्जाम है वो नहीं होने वाला ये थी दोस्तों आज की लेटेस्ट अपडेट ऐसी लेटेस्ट अपडेट पानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अगर इसका लिंक चाहिए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में इस इसका लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नए के के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत